साहू समाज ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। पूर्व विधायक किशोर समरीते की रिहाई एवं मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। साहू समाज बालाघाट संगठन द्वारा बुधवार को पूर्व विधायक किशोर समरीते की रिहाई एवं मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान तेली साहू समाज संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि लांजी के पूर्व विधायक किशोर समरीते के विरुद्ध बांधा एंड कंपनी के संचालक राजेश पाठक द्वारा 10 जून 2021 को भरवेली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद भरवेली पुलिस ने बिना जांच किए धारा 390, 386, 442 भादावी के तहत अपराध दर्ज कर लिया और आनन फानन में 12 जून 2021 को भोपाल में जाकर समरीते को गिरफ्तार कर लिया गया। जहां जिला अध्यक्ष साहू समाज ने कहा कि किशोर समरीते जो पूर्व विधायक है और लांजी की जनता के साथ जिले एवं प्रदेश के गरीबों के हितों में काम करते हैं, हमारे इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे मांग है कि पुलिस द्वारा पंजीबद्ध किए गए मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा जिले का साहू समाज आंदोलन हेतु बाध्य होगा। खबर भारत न्यूज के लिए बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट। आज हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन हम लोगों ने बनाया है और कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी को सौंपने जाने वाले हैं। उसमें हमारे लांजी के पूर्व विधायक भाई किशोर समरीते जी को भरवेली पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तारी उनकी की है, उसके विरोध स्वरूप हम लोग ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। किशोर समरीते जी के खिलाफ मामला 10 तारीख को पंजीबद्ध किया गया भरवेली थाने में। 12 तारीख को जाके आनंद फानंद में पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी भोपाल से की और 13 तारीख को बालाघाट लाके उनको न्यायालय में पेश किया। हमारा ऐसा मानना है कि किशोर समरीते कोई आतंकवादी नहीं है, कोई भगोड़े अपराधी नहीं है, तो पुलिस को इतनी त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता क्या थी? वो बालाघाट आते थे तब हम उनकी गिरफ्तारी कर सकते थे, या कुछ समय पहले उसकी जाँच होनी चाहिए थी। अगर आपके पास रिपोर्ट लिखाई भी राजेश पाठक जी ने, तो उसकी पहले जांच होनी चाहिए थी, क्योंकि वो साधारण आदमी नहीं है, पूर्व विधायक है और एक सम्मानजनक स्थिति उनकी समाज में और पूरे प्रदेश में। तो जिस तरह से पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसमें ऐसा लगता है कि जानबूझकर किशोर समरीते जी को फंसाने का प्रयास किया गया है और इसलिए आनंद फानंद में कार्रवाई की गई है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं पूरे ज़िले में, आज हम देखने जाएँ कि दो महीने कार्रवाई नहीं होती। ऐसे हमारे एक पत्रकार साथी हैं पारसविनी के, उनके खिलाफ भी मामला इधर शाम को रिपोर्ट लिखी गई और तुरंत मामला कायम कर दिया गया। तो पुलिस जो है जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, वो ऐसा लगता है कि राजनीतिक दबाव, प्रशासन का दबाव, ये सारी चीज़ें उसके साथ काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि जो भरवेली पुलिस ने इस मामले को पंजीबद्ध किया है उसको बात कर लेना सुना। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए खबर भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें पंकज डहरवाल, कॉन्टैक्ट नंबर 9826564928। कार्यालय का पता, प्रेस मीडिया कार्यालय, तिरोड़ा रोड, खैरलांजी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश।